हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बचे हुए चावलों को अक्सर हम फ्राई कर लेते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता। अगर आप एक बार बना लेंगे तो हर बार आप जब भी चावल बनाएंगे तो थोड़े से एक्स्ट्रा चावल ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ये चावल ले लिए हैं, ये नमकीन चावल मैंने बनाए थे शाम को। तो अब इन चावलों को मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे आप व्हाइट चावल यानी कि सफ़ेद चावल बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, जो बॉईल करके बनाते हैं। मिक्सी का जार लेंगे, उसमें चावल हम डालेंगे और चावल डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे दही। दही लगभग 100 ग्राम है, थोड़ी खट्टी है दही, खट्टी होनी चाहिए तो टेस्ट और अच्छा आता है इससे। अगर कम खट्टा खाते हैं तो कम खट्टी दही डाल के आप इन्हें पीस लेंगे अच्छे से। अभी कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे और इसको एक बोल में, एक बर्तन में निकाल लें। और उसके बाद हमें इसमें जो मिक्सी है इसको भी हम धो के डाल देंगे पानी। फ्रेंड्स, चैनल पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोस देख पाएं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी वेजीज ऐड करेंगे इसमें। तो मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है, इसको बारीक कट कर लिया है। एक गाजर को मैंने बारीक कट कर लिया है, वो भी डाल दूंगी मैं यहाँ पर। और एक टमाटर मैंने लिया है जिसका बीज निकाल दिए हैं, ऊपर का पार्ट कट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई। और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, हरा धनिया, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बर्तन थोड़ा बड़ा मुझे लेना चाहिए था। और अब क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मैदा। आप बेसन, सूजी, ब्रेड क्रम्स कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बर्तन छोटा था, मैंने चेंज कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। फिर डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। और उसके बाद डालेंगे हम 1/2 टीस्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स, बहुत ही बढ़िया। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून ये वाइट तिल, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। खाने के बाद आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि आपने इसको चावल से बनाया है या बचे हुए चावलों को आपने रीयूज किया है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। और पतला बैटर ज़्यादा नहीं करना है, बैटर की कंसिस्टेंसी यही ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो चावल जो है बॉयल है तो अच्छे से वो पकेंगे जब तो पतले हो जाएंगे और ज़्यादा, फिर जो आप ये चीला बनाएंगे वो आपका चिपक जाएगा, निकलने में मुश्किल होगी। तो इसलिए थोड़ा बैटर को भी थोड़ा गाढ़ा रखें और चीले को भी थोड़ा सा मोटा ही फैलाएं। और इस तरीके से फैला देंगे इसे हम। फिर थोड़ा सा इस पर घी डाल देंगे और इसको कवर करके हम कुक होने देंगे 1 मिनट तक। उसके बाद इसे पलटेंगे। तो आप जब भी चीला बनाइए तो ध्यान रखें तवे को अच्छे से गर्म कर लें, फ्लेम को लो पे सेट कर लें और लो फ्लेम पे इसे घी डाल के या ऑयल डाल के हल्का सा 1 मिनट के लिए कुक करें। फिर पलट के दूसरी तरफ कुक कर लें, ऐसे उलट पलट के इसको सेक लें। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी आपका नाश्ता बनके तैयार होगा। आपके बचे हुए चावलों का इससे अच्छा इस्तेमाल कोई हो ही नहीं सकता है। तो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होते हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप दही के साथ खाएँ, चटनी के साथ खाएँ और वेजीज अपने हिसाब से डालें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।